हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 बहुत ही नज़दीक है। 7 दिसंबर को पहला एग्जामिनेशन है इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे वो फुल्ली थ्योरी बेस्ड थे। बिल्कुल भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बताए थे कि कहाँ से आते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, या फिर कौन कौन सी न्यूमेरिकल किस बेस्ड पर आएंगे। कहने को दोस्तों बहुत सारी बातें हैं न्यूमेरिकल के लिए। दोस्तों, न्यूमेरिकल एक समस्या टाइप का बन सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर देखेंगे उठाकर 2010 से 2018 तक, या फिर किसी भी ईयर का सडनली उठा लें, तो मुश्किल ही है कि एक आध साल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ना आया हो। एक ना एक मिनिमम 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, या फिर 2, एक या दो तो दोस्तों आते ही हैं पक्का। इस बार भी आएंगे, चांसेस 100% में से 100% है। तो यार, आखिर न्यूमेरिकल आता कहाँ से है, 5 यूनिट में से किस यूनिट में से ज़्यादा टाइम पूछता है, किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, आज की इस वीडियो में आगे चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 2010 से 2018 तक के पेपर का एनालाइज किया है और पाया है, आप भी कर सकते हैं एनालाइज और देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 1st, 3rd, 4th में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मोस्टली टाइम पूछा जाता है। अब 1st में से, 3rd में से और 4th में से किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है वो हम बताए दे रहे हैं। बाकी दोस्तों, जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, गेट लेवल के नहीं है ये। लेकिन दोस्तों, वो चुटकियों में इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। अब आप ही की क्लास का कोई बंदा या फिर कोई बंदी गेट की तैयारी कर रहा हो, वो न्यूमेरिकल बेस्ड अगर क्वेश्चन आया, कोई भी एक क्वेश्चन या फिर 3-4 क्वेश्चन आए, तो एग्जामिनेशन में 4 रहे होंगे करेक्ट आंसर के साथ। तो दोस्तों, आपको बता दें, 1st यूनिट में से मोस्टली टाइम EMF इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आपका जो EMF इक्वेशन है P5NZ/60A, ये 2 प्रकार का है, एक जनरेटर के लिए है, एक DC मोटर के लिए है। तो कभी कभी जनरेटर के लिए आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, या फिर DC मोटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दोनों प्रकार के आपको क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि यूनिट नंबर 1st में से EMF इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपसे बन जाएगा। अब अगर बात करें यूनिट नंबर 3rd से किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपका यूनिट नंबर 3rd में जो 2nd पार्ट है, जो कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर्स, रिलेशन बिटवीन जनरेटेड वोल्टेज एंड टर्मिनल वोल्टेज, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें दे देता है और पूछता है इंड्यूस्ड EMF पर फेस कैलकुलेट कीजिए, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क फाइंड आउट करो, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करो, जनरेटेड वोल्टेज कैलकुलेट करो। इसमें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन यूनिट नंबर 3rd के टॉपिक नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 जो यूनिट नंबर 3rd का है, उसी से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। यूनिट नंबर 4th की बात करें, तो यूनिट नंबर 4th में आपके 2 पार्ट हैं, 2 टॉपिक्स टाइप के हैं, जिससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। साइलेंट पोल मशीन पावर एंगल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, साथ के साथ पार्ट 2nd से आपका सिंक्रोनाइजिंग करंट, सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोफिशियंट, ये 3 से 4 टॉपिक आपके पार्ट नंबर 2 में दिए हैं। इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये कैलकुलेट करके बताओ, ऐसा पूछ लेता है। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 4th में से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, इस बार भी चांसेस हैं कि आ सकता है। बाकी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो गेट की तैयारी कर रहा है, तो ये न्यूमेरिकल वगैरह उनके लिए चुटकियों का खेल है। बाकी दोस्तों, अगर आपको न्यूमेरिकल की अच्छी तैयारी करना हो, तो जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहा हो, आपका फ्रेंड जो भी हो, उससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लें। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो बहुत ही कम अपलोडेड है, और वह पुरानी भी हो चुकी हैं, जो कि आपके लिए करंट न्यूमेरिकल जो आ रहा है मोस्टली टाइम अभी, वो ही समझना है आपके दोस्त से, तो दोस्तों आपका काम भी क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन मैं आपके लिए शेयर कर ही चुका हूँ, IMP ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन 2, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वीडियो देख लेना अगर जरूरत पड़े तो। तो दोस्तों, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।